अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नए वाक्य के साथ हाजिर हैं और एक दिलचस्प वाक्य जिसको सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा और इल्म में भी इजाफा होगा। वाक्य कुछ ऐसा है, एक दफ़ा का जिक्र है। इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा मुझे इराक के किसी गांव में रात हो गई। मैं एक मस्जिद में गया लेकिन चौकीदार ने मुझे वहां से निकाल दिया। मैं मस्जिद से बाहर फर्श पर सो गया। चौकीदार ने मुझे पाँव से पकड़ा और घसीट कर मस्जिद से दूर कर दिया। एक खुदा तरस आदमी मुझे अपने घर ले गया। वो शख्स चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अस्तगफार पढ़ता था। सुबह हुई तो मैंने उस शख्स से पूछा कि क्या आपको अस्तगफार पढ़ने का कोई फ़ायदा भी हुआ? इसने जवाब दिया, जी हाँ, मेरी हर दुआ कबूल हुई सिवाय इसके कि मेरी मुलाकात इमाम अहमद बिन हम्बल से हो जाए। मैंने कहा, मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ और तुम देखो कि मुझे कैसे घसीट कर तुम्हारे पास लाया गया। सुभान अल्लाह। तो देखें कितना प्यारा वाकया है। और फिर इस वाकये में जो हमें सबक मिला वो है अस्तगफार की बरकतें। अस्तगफार पढ़ने से ना सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं, आपकी तमाम मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाते हैं। बस जो भी करें दिल से करें। और एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि अस्तगफार अफजल दुआओं में से एक दुआ है। तो आज से हम रोज़ाना एक तस्बीह अस्तगफार की पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी।